विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। आज बतारीख 22 सितंबर बरोज़ जुमा को एशियन टीवी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के SHO कतरावत गुरुनाथ से खसूसी मुलाकात करते हुए त्यौहारों की तैयारियों के सिलसिले में तफसीलात जानने की कोशिश की। इस मौके पर SHO सर ने बताया कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत तकरीबन अब तक 54 गणेश पंडाल्स इंस्टॉल किए गए हैं और तमाम ऑर्गेनाइजर्स पुलिस के साथ भरपूर तरीके से ताउन भी कर रहे हैं और अमन व शांति के साथ त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं। मजीद कहा कि पंडाल्स के पास हालात पर नज़र रखने के लिए और फिर बतारीख 28 सितंबर को बालापुर गणेश विसर्जन के लिए और अगला 1 अक्टूबर को निकाले जाने वाले मेला जुलूस के लिए हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद की जानिब से इजाफी फोर्सेस और पुलिस अहलकारों को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि जुलूस रैलीस हमवार तरीके से निकाला जा सके और फिर तमाम पंडाल्स के पास भी 24/7 पुलिस अहलकार तैनात किए जा रखे हैं ताकि हालात पर कड़ी नज़र रखी जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को होने से टाला जा सके। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात एशियन TV न्यूज़ के साथ। हमारे चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पूरे 54 गणेश आइडल्स बैठ चुके हैं और इस ये गणेश ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं वहाँ पर हम गणेश पंडल जितने भी हैं वहाँ पर हम बंदोबस्त की इंतजाम पूरी तरह से हम कर चुके हैं। बाहर से 25 या 4 सब इंस्पेक्टर्स और 18 मिन ऑफिसर्स को हमको हमारे CP सर श्री आनंद साहब ने और साउथ ईस्ट जोन DCP सर विपेश सार ने प्रोवाइड किए हैं और हमारे लोकल पुलिस फोर्स और बाहर से ISO फोर्स सब मिला के हम पूरे 54 पंडल के पास बंदोबस्त रख चुके हैं। इसी के साथ बालापुर गणेश का भी हमारे को एक बंदोबस्त है। 28 फाइनल डे के दिन तकरीबन 3 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो प्रोसेशन आता है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से बंदोबस्त का इंतजाम कर चुके हैं। और इसी के साथ एक तारीख मिलादुल नबी का भी बंदोबस्त हम पूरी तरह से इंतजाम कर चुके हैं। हमारे पुलिस चंद्रायन गुट्टा पुलिस तरफ से पब्लिक को यही विनती है कि जो हमारे शहर में रहा परंपरा गंगा जमुना तहजीब का परंपरा जो भी है उसको इसका अमन कायम करने के लिए पुलिस के तरफ से और पब्लिक के तरफ से कोऑपरेट रहना चाहिए और इसको ऐसे ही कायम रखते हुए आगे लेके जाने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए।